मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मीटर बदलने को लेकर टोरिन पावर के कर्मचारी और स्थानीय लोगों में एक बार फिर बहस होने की वीडियो सामने आई है। एक तरफ जहां एमआईएम पार्टी के नेता कार्यकर्ता टोरिन पावर के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी तमाम मांगे हैं, जिसमें एक मांग ये भी है कि मीटर जबरन बदले ना किया जाए, लेकिन इसी तरह का एक मामला सामने आया है घासवाला कंपाउंड के पिनेकल अपार्टमेंट एविंग में। बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ टोरिन कर्मचारी पहुँचे थे और वो मीटर बदल रहे थे, जिसके बाद इमारत में रहने वाले लोग और टोरिन कर्मचारियों के बीच में कहासुनी हुई कि मीटर आखिर क्यों बदली किया जा रहा है। इसी बीच जो है, जो एमआईएम पार्टी के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें जानकारी मिली, तो जो पूर्व नगर सेवक है एमआईएम के शाहआलम, वो वहाँ पर पहुँचे और मीटर क्यों बदली किया जा रहा है इसके बारे में टोरिन पावर के कर्मचारियों से पूछताछ की। हालांकि उन लोगों ने भी बताया कि कुछ मीटर जो है वो ख़राब हैं या जो है जले हुए हैं, जिसके बाद ये कहा गया कि जो मीटर आपको ख़राब लगते हैं या जल चुके हैं उनका टेस्ट जो ख़राब है उनका टेस्ट किया जाए, और अगर कोई मीटर जल गया है तो उसे बदली किया जाए, सभी मीटरों को बदली ना किया जाए। कैसा ये माहौल रहा वहाँ का शाहआलम एमआईएम पार्टी के और टोरिन कर्मचारियों के बीच में, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, आपको वीडियो दिखा दें। मीटर में अगर कोई छेड़ गया बिलदार मीटर चेंज कर, हम उसको नहीं रोक रहे, बिल नहीं भर रहे उसको कर रहा कार्रवाई, हम नहीं बोल रहे। हम लोग ये कैसा कर रहे हैं, ये बिना बोले इसलिए इतने सारे मीटर में एक में भी मीटर तुम लोग चेक किए क्या कि मीटर फॉल्ट है, मीटर में टेम्परिंग है, चेक किए क्या? हाँ ठीक है, क्या फॉल्ट मिला, कितने मीटर, कितने मीटर फॉल्ट मिले थे को बता, बता कौन से मीटर में टेम्परिंग किया हुआ है, टेम्परिंग बता मीटर क्या बिल्डिंग की, कहा है तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारी सोसाइटी वाले फोन करके बाद में कौन है वो लोग, क्या देखो कौन सा जला है सर, ठीक है ये जला है ना, हाँ बाकी का क्या है, बाकी का क्या है, जो जला है उसको चेंज करने का ना खाली, ये कब से चालू है, तुम लोग अभी फोन कर रहे हैं मेरे को, भाई सुबह वही फोन किया मतलब उधर, तो बिल्डिंग वाले किधर थे, सब काम पे गए और तो बिना, ये भाई इधर बेटा इंजीनियर, ये राइट है तेरे को ऐसा पूरा निकाल देने का, बिगड़ किसी कंज्यूमर को बुलाया बिगड़, हमको आया उसके मीटर कंज्यूमर ने अप्लाई किया गया तुमको कि हमारा मीटर चेंज, किसी एक का आया, वो घर की सोसाइटी बना के बैठे भाई, एक का आया हुआ सबका नहीं, घर की बन के बैठी है, बिल्डिंग के लोग है जो माल जिनका जिनका रूम है ये उन लोग बोलो, हमको लेकिन मतलब क्या है, जब ये टेनेंट कंज्यूमर खुद करे, कंज्यूमर मीटर में चेंज करिए, कंज्यूमर के सामने करने का वो है, अरे तो कंज्यूमर खुद उठा के बोल रहे ना मेरा मीटर कौन कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका मीटर अगर है ना पुराना, बहुत पुराना है तो उसको चेंज करना, उसके लिए भी मना किया, अभी चंदी घाट पे गया था चिंतन ने 3 दिन पहले, वो भी रुका है, अभी हमारी खुद मीटिंग चल रही है और वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज, नहीं चलेगा डिजिटल मीटर जो है ना, डिजिटल मीटर सब वापस लगा उनका, जितने डिजिटल मीटर है बिल्डिंग वालों का वो मीटर लगा के लो, ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करे बगैर वो कैसा लगेगा कंज्यूमर का मीटर बिगड़ रहा है, आके लेके गए बिना इन्फॉर्म करे, फोन लेके लाइट भी लाए हम लोग ने पे किया हुआ है पूरा, दिखाओ यार ये बिल्डिंग में 10 में थे, ए भिवंडी कंपनी, ओ चिचा इधर आ, इधर आ, तब वापस लगाओ, इज्जत ले इधर आ, चल चल उधर खड़े रहे,